जम्मू रीजन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है और बीजेपी ने जम्मू में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। हमारे साथ इस समय मोहनलाल भगत जी हैं जो बीजेपी से अखनूर की सीट से जो है जीत कर आए हैं। रिटायर्ड एसएसपी का पद छोड़ा, पॉलिटिक्स में आए और आते ही जो है अब विधायक हैं। सर, आप पहले खाकी पहनते थे, अब आप खादी पहनेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मन में कैसा है? क्योंकि अभी आपके रिटायरमेंट में बहुत समय था, आपने समय से लक्ष्य एक ही है जी। समाज सेवा, देश सेवा, उसमें अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। पहले भी समर्पित था और अब भी देश सेवा, समाज सेवा में समर्पित हूँ। सर, किस तरह देखते हैं आप अपनी बंपर जीत को? 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीत कर आए, पार्टी ने भी बहुत से। सबसे पहले तो मैं अपने संगठन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके साथ ही अखनूर के हर वासी का, जनता जनार्दन का, अखनूर के हर वोटर का, हर सपोर्टर का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझ में इतना विश्वास व्यक्त किया है और अपना आशीर्वाद दिया है। मोहनलाल जी, ऐसा कौन सा काम है जो आप बतौर एसएसपी नहीं कर पाए, अब बतौर विधायक करेंगे? देखिए, मैंने अखनूर की जनता के सामने, जनता के बीच संकल्प लिया है, अखनूर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज से ही मैं अपने आप को पूरे कर्तव्य निष्ठा से समर्पित कर रहा हूँ। बीजेपी शायद सरकार ना बना पाए तो क्या मंत्री ना बनने का मलाल थोड़ा सा? कौन कहता बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी? बीजेपी की सरकार बन रही है और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बन रहा है। बीजेपी सरकार बना रही है और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, ये दावा है मोहनलाल भगत जी का, जो अखनूर से विधायक चुनकर आए हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाजपे, एबीपी न्यूज जम्मू। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।